In the last class, we have seen the derivation of group velocity. We derived this expression Vg is equal to d omega upon dk, and then we have rewritten Vg in terms of lambda, that Vg is equal to minus lambda square d nu upon d lambda. Now today we will start with the relation between group velocity and particle velocity. These relations are very important from your examinations point of view. इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे Vg और V के बीच में क्या relation है for a non-relativistic particle. फिर उसके बाद हम देखेंगे Vg और V के बीच में क्या relation है for a relativistic particle. नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब क्या है? जो पार्टिकल मोशन में है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से. रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जो पार्टिकल मोशन में है उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल है टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो पहले हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को देखेंगे. ना हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m. ये मैंने जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल रहे थे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पर बताया था कि e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, p इज इक्वल टू m इनटू v होता है. तो वहां से हमारे पास आता है e इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो इफ आई डिफरेंशिएट नाउ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, dE अपॉन dP क्या हो जाएगा? 2P अपॉन 2m. 2 जो है वो कैंसिल आउट होगा फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो dE अपॉन dP क्या हो गया? P अपॉन m. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम किसकी है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन. m into v, m cancel out होगा, तो dE upon dP हमारे पास क्या आ गया? This is equal to v. हमें क्या निकालना है? Vg निकालना है. Vg क्या होता है? d omega upon dk. ठीक है, अब देखो dE upon dP जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एनर्जी क्या होती है? h cut omega. मोमेंटम क्या है? h cut k. h cut constant है, h upon 2 pi, ये cancel out हो गया from both numerator and denominator. तो d upon dp क्या है? d omega upon dk, which is nothing but the group velocity. तो इस equation से और 1.66 equation से हमें क्या पता चलता है कि for a non-relativistic particle, group velocity is equal to the particle velocity. मतलब जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से उसके साथ जो वेव पैकेट एसोसिएटेड है वो भी मूव कर रहा है. अब हम देखेंगे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में वीजी और वी के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है. तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होगा वो हम रिलेटिविस्टिक रिलेशन यूज करेंगे. ये रिलेशन तुम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो जब तुमने रिलेटिविटी पढ़ा है मैकेनिक्स में. e स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c 4, देयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल. नाउ इफ आई डिफरेंशिएट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम व्हाट वी विल गेट? 2e dE इज इक्वल टू 2p c स्क्वायर dP. So 2e dE upon dP is equal to 2p c square. The second term है m not square c 4, उसका differentiation zero होगा क्योंकि m not भी constant होता है, rest mass किसी भी particle का, और speed of light तो constant ही होती है. तो यहाँ से dE upon dP क्या आ गया? pc square upon e. dE upon dP क्या होता है हमारे पास? dE upon dP is nothing but the group velocity. तो Vg हमारे पास हो गया dE upon dP equal to pc square upon e. अब हमें इसे group velocity को किसके terms में लिखना है? Particle velocity. कैसे लिखेंगे? Momentum को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां तक हो गया हमारे पास. Momentum क्या होता है? मोमेंटम इज मास इनटू
वेलोसिटी ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, तो मास जो है रेस्ट मास नहीं है, रिलेटिविस्टिक मास है, विच इज एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सिमिलरली एनर्जी क्या होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू, हमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिखनी है ना, दिस इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ई एंड पी इन दिस इक्वेशन, तो वी जी हमारे पास क्या आएगा, एम वी सी स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर, तो वी जी इज इक्वल टू वी. मतलब अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है तब भी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होगी. Thus, group velocity of wave packet is equal to the velocity of the particle, whether it is non-relativistic or relativistic. ठीक है? अब हमने group velocity देख ली. Now next we'll see the phase velocity. Phase velocity is the velocity of propagation of a infinitely long plane monochromatic wave. This is the velocity of propagation of a single wave. जो हमें पता है विच इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. एनर्जी क्या होती है, एच कट ओमेगा. मोमेंटम क्या होती है, एच कट के. तो वीपी हमारे पास आ गया ई अपॉन पी, तो वीजी होता है डीई अपॉन डीपी, वीपी हो गया ई अपॉन पी. अगर पार्टिकल, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये हमने पहले भी डिराइव किया था. दिस इज द अनदर kind of derivation for the phase velocity. ठीक है, एनर्जी क्या होगी फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, एम सी स्क्वायर. मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज मूविंग. तो वीपी हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर अपॉन वी. ये हमने पहले भी डिराइव किया है, बस जो तरीका था डिराइव करने का वो थोड़ा सा अलग था, पर रिजल्ट हमारे पास सेम आया. एंड दिस इज फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसको जरूर ध्यान रखना है. एग्जाम में जैसे तुम्हारे पास अगर आता है ना, दैट डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी वो तो बाद में देखेंगे. अगर एग्जाम में आता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तो दोनों केसेस दिखाने हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक भी रिलेटिविस्टिक भी. ठीक है, फेज वेलोसिटी का रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी होती है सी स्क्वायर अपॉन वी. नाउ व्हाट अबाउट नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, वीपी क्या है, ई अपॉन पी है. अगर पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज अ वेल नोन एक्सप्रेशन, हाफ एम वी स्क्वायर. एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. Now substitute these two values in the expression of Vp, which is equal to E upon P. So Vp ho gaya half mv square divided by m into v. So ek dono taraf se m cancel out hoga numerator denominator mein se, aur ek v cancel out hoga. So Vp hamare paas kya aa gaya, v upon 2. So agar पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है तो फेज वेलोसिटी जो होगी सिंगल वेव की वो होगी v अपॉन 2, और अगर पार्टिकल, दिस इज फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है तो उसकी वेलोसिटी होगी c स्क्वायर अपॉन v, जो हम पहले भी कर चुके हैं. नेक्स्ट हमें ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता चल गया, हमें फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता चल गया.
अब हमें नेक्स्ट निकालना है ग्रुप और फेज वेलोसिटी, वीजी और वीपी के बीच में रिलेशन, एंड दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. ये वही रिपीटेशन है जो मैंने अभी ऊपर समझाया था नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए. जो वीपी आएगा वो वी अपॉन टू आएगा, ठीक है, पर वी जो है वीजी के इक्वल होता है. वन सेकेंड, ये रिपीट हो रहा है यहां से, ठीक है. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, अभी देखा था नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए वीपी क्या होता है, वी अपॉन टू होता है, पर v जो है vg के इक्वल होता है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए. तो दस फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल फेज वेलोसिटी इज हाफ द ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है. यहां से आया vp इज इक्वल टू v अपॉन टू, बट v इज इक्वल टू vg, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन दिस एक्सप्रेशन, तो vp बिकम्स vg अपॉन टू. So this is the relation between group velocity and phase velocity for a non-relativistic free particle. Yes, so phase velocity is half the group velocity for a non-relativistic free particle. Now we'll derive the general expression or the general relation between group velocity and phase velocity. What is Vp? Equal to omega upon k. तो omega क्या आ गया? K into Vp. Vg क्या होता है? D omega upon dk. Substitute the value of omega. Vg हो गया D upon dk into K into Vp. Now differentiate K into Vp with respect to K. तो Vg हमारे पास क्या आ गया? Vp plus K into dVp upon dk. तो Vg और Vp के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए? dVp अपॉन dk. इसको हम कैसे करेंगे? k क्या होता है? k we all know is 2 pi by lambda. तो dk अपॉन d lambda क्या होगा? माइनस 2 pi अपॉन lambda square. इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन lambda into 2 pi by lambda. 2 pi by lambda is nothing but k. तो यहां से हम लिख सकते हैं k अपॉन डी के इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन डी लैम्डा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k अपॉन डी के इन द इक्वेशन 1.71. तो vg हमारे पास आ गया vp माइनस लैम्डा इनटू dvp अपॉन डी लैम्डा. सो दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन to derive from your examination point of view, and it is also very very simple to derive. You have to simply use vp is equal to omega upon k, vg is equal to d omega upon dk. Substitute omega in terms of vp in the equation of vg. So from equation 1.72 it can be noted that if vp is independent of k, then group and phase velocities are equal, that is vg is equal to vp. ye kaise hua? ye expression kaise aayi, vg equal to vp? agar vg independent hai k ke, k kya hai? 2 pi by lambda. agar vg independent hai k ke, to dvp upon d lambda kya ho jayega? जीरो हो जाएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ वीपी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और वीपी लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, तो डीवीपी पर डी लैम्डा जीरो हो गया, तो वीजी विल बिकम इक्वल टू वीपी. एंड फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम डीवीपी अपॉन डीके or d lambda, because k is 2 pi by lambda, dvp upon dk is equal to 0 for a non-dispersive medium. Non-dispersive medium, wo medium hota hai
जिसमें जो वेव मूव कर रही है उसकी जो स्पीड, दैट मीन्स उसका जो वीपी है वो इंडिपेंडेंट होता है वेव की फ्रीक्वेंसी के। के क्या है? 2π/λ। लैम्डा क्या होता है? c/ν। तो इफ डीवीपी इज सो इफ वीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मींस इफ डीवीपी अपॉन डीके इक्वल टू जीरो, दैन द मीडियम इज अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, एंड फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वीजी इज इक्वल टू वीपी। इसको ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो क्या करोगे? पहले इक्वेशन 1.72 डिराइव करोगे, फिर लिखोगे दैट इज फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम डीवीपी अपॉन डीके इक्वल टू जीरो, दैट इज डीवीपी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू जीरो, सो वीजी इज इक्वल टू वीपी। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, which is also very important.